नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और रुक कर रहे हैं हम खबरों का। मंगलवार को धनबाद के एसएनएमसीएच के स्त्री और प्रसव रोग विभाग में दो महिलाएं एक नवजात बच्चे को लेकर भाग गई। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। इससे पूर्व वहां इलाजरत मूकबधिर युवती से दुष्कर्म की घटना दो दफा और महिला के मरीजों और उनके परिजनों से भी छेड़खानी की घटना कई दफा घट चुकी है। मोबाइल और बाइक चोरी से ऊपर उठकर अब धनबाद के एसएनएमसीएच में बच्चा चोरी करने वाली महिलाओं का गिरोह भी सक्रिय हो चुका है। ताजा घटनाक्रम में गायनी वार्ड से नवजात की चोरी कुछ इस तरह के शंकाओं को जन्म देने लगी है। बता दें कि भूली शक्ति मार्केट निवासी सरोज यादव की 25 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी के दोपहर 2:30 बजे अस्पताल में प्रसव हुआ था। वार्ड में आते ही एक महिला नवजात को खिलाने के बहाने लेकर फरार हो गई। इसके बाद वार्ड में हड़कंप मच गया। स्वजन नवजात को लेकर भागने वाली महिला को खोजने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चला पाया। वहीं ये पूरी घटना वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले की सूचना सरायढीला पुलिस को दे दी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कैमरे में आसानी से देखा जा सकता है कि दो महिला वार्ड में गई। इसमें एक पीली साड़ी पहनी हुई महिला नवजात को लेकर जन औषधि केंद्र के रास्ते ओपीडी की ओर चली गई और उसके साथ एक और महिला थी। दोनों ने अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। ओपीडी के बाहर पहले से ही एक महिला लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। लाल रंग की साड़ी पहने महिला के साथ एक लगभग 7 वर्ष की लड़की भी थी। नवजात को गोद लेकर दोनों अलग अलग रास्ते से फरार हो गए और घंटों रेकी कर रही थी ये दोनों महिलाएं। कैसी महिला थी वो? कैसन औरत रहे वो? औरत जवानी थी, एक बच्चे के गोंडा लड़की थी। कैसे दोस्ती कर लस तरह से? पियर लुगा पहने रही है। कौन कैसन रंग के कपड़ा पहने रहे? पियर। हां, अरे रुवा देनी है तो ओकरा बाद रुवा अंदर आ गई नहीं है देखे। अरे भी खुनो हो गई, भी खुनो धरो के लिए इतनी बड़ा थोड़ी फोन पर के लड़का भाई का फोन को बोले धरो ले के और मोबाइल को भाग गई ना। क्या कैसे क्या हुआ है बताइए सर? हमारे अंदर में पानी चढ़त रहे, मरसा साड़ी बच्चा के लेके बाहर में बैठा रही है। देखे औरत को कहली है कि इतनी दाम बचवा के खिलाई, हम कबे से भीतरी गौतनी की का हमार बचवा का हो गई, हमार बचवा का हो गई ले, अभी तक से हमरा के दिखौली ना है, इतना देरी हो गई ले। बच्चा का मुंह भी नहीं देखा, नहीं देखा है सर। बच्चा बच्चा हो गया 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। कहाँ रहते हैं आप? भूली रहते हैं। भूली में? भूली में। हस्बैंड कहाँ है आपके? घर पर है। क्या नाम है? क्या नाम उनका? सरोज। वहीं धनबाद एसएनएमसीएच से नवजात शिशु की चोरी मामले में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार बर्णवाल ने न्यूज बायस्कोप से बात की और बताया कि अस्पताल में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन के साथ पिछले महीने संबंध में बैठक हुई थी, लेकिन किसी कारणवश अस्पताल प्रबंधन को जिला प्रशासन ने वो तमाम चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करवाई जो अब तक हो जानी चाहिए थी। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने। देखिए, ये इसको रोकने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मतलब हमारे अस्पताल में अनेक प्रवेश द्वार हैं जिससे मरीज लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं, उनको भागने का रास्ता भी बनता है। तो जब तक हम सिंगल पॉइंट एंट्री नहीं करें, मतलब कि एक ही प्रवेश का रास्ता हो, निकासी का रास्ता एक ही हो, तभी हमारे सुरक्षाकर्मी उसको रोक सकते हैं। हर एक मरीज़ के लिए एक टोकन मिल जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा और डिस्चार्ज के समय ये डिस्चार्ज टिकट मिलेगा, तो इस हिसाब से चेक किया जा सकता है। अभी क्या होता है कि कोई एक रास्ते से आता है, दूसरे रास्ते से भाग जाता है, पीछे निकलने का रास्ता है, कई रास्ता है। तो जिला प्रशासन से सारे विभाग अध्यक्ष लोगों की साथ बैठक करके हम लोगों ने जिला प्रशासन से विमर्श किया था और यही फैसला हुआ था कि जो
जो कई जो चोर रास्ते खुल गए हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। मंगलवार की दोपहर धनबाद के इस SNMMCH के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग से एक नवजात शिशु की चोरी हुई है और चोरी के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों में काफ़ी आक्रोश है और आक्रोश का कारण भी है क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेने के बाद परिजन को सौंपा गया और सौंपने के तुरंत कुछ देर बाद ही एक महिला ने उस बच्चे की दादी से बच्चे को खिलाने के बहाने ली और उसके बाद वह उसके पलक झपकते ही वह महिला बच्चे को इस रास्ते से, हम आपको सहयोगी से कहेंगे उस रास्ते को दिखाएं कि जैसा कि CCTV कैमरे में आ रहा है कि सीधे यहां से आयुष्मान का जो ऑफिस है इसके बगल से होते हुए आउटडोर के रास्ते यहां से बाहर निकल गई और महिला आगे जा करके उस बच्चे को किसी और महिला के गोद में दे देती है और उसके बाद दोनों ही वहां से अलग अलग रास्ते से भाग जाते हैं। बाकायदा महिला यहां पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन कराती है एक गर्भवती महिला के रूप में। अब उसने जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें तमाम उसने डॉक्यूमेंट दिए थे अथवा नहीं दिए थे और उसने कई तरह की जो बातें वहां पर कही थी उन तमाम चीज़ों की खोजबीन अभी जरूरी है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर जाँच के लिए पहुँची हुई है और बता दें जो सामने में परिजन है उनसे बात करते हैं। बताइए भैया क्या घटना कल हुई थी और किस तरह से हुई थी और आप लोगों को अभी तक क्या कुछ मिला है आश्वासन? सर हम लोग कल दिन में 11 बजे एम्बुलेंस से भोली भी ब्लॉक खटाल से आए हुए यहाँ PMCH हॉस्पिटल में और जो है वो हमारी बड़ी मझली भाभी है। उसके बाद तो 11 बजे हम लोग हॉस्पिटल में आए, दो आदमी आए थे, वो लोग मेरी माँ और मेरी भाभी आई थी। हॉस्पिटल में भर्ती कराकर हम लोग 1 बजे यहाँ से चले गए। 1 बजे जाने के बाद 2 बजे हम लोग को फ़ोन आया कि लड़का हुआ है। 2 बजे फ़ोन हुआ है तो बात चला है कि लड़का ठीक है। 2:30 बजे फ़ोन आया कि बच्चा कोई एक औरत थी जो बाहर में लेकर आई और बच्चा लेकर बोली कि स्टाफ हम मतलब हॉस्पिटल के हमको दीजिए। स्टाफ के बहाने वो बच्चा लेकर यहाँ से निकल गई है। क्या लगता है कि कोई सरगना था, कोई बच्चा चोरी करने का गिरोह यहाँ पर कायम है जो कि बच्चों को टारगेट करता है, महिलाओं को, खास करके ऐसे लोगों को जो अकेले रहते हो? सर मेरे कहने मतलब जो वहाँ पर नर्स थी, नर्स क्या की है कि तीन बच्चे का डिलीवरी की है, इसमें 2 का डिलीवरी की उससे पैसा लिया है, जिसी तरह का पैसा लिया और लेने के बाद लोगों को बेड पर कर दी गई है। बेड पर कर इससे मांगी है पैसा, ये पैसा जा रहे थे निकालने के लिए। तब तक वो क्या किए उसको रूम में, इस औरत का बच्चा हुआ उसको 2 घंटा उसमें रखिए, वो चिल्ला रही है, गेट नहीं खोले। एक चीज़ है अस्पताल में, कहीं भी अस्पताल में अगर बच्चा होता है तो पैसा लेने का रिवाज आजकल है। हाँ। और ये इलीगल है लेकिन ऐसा होता है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या बच्चा चोरी का कोई गिरोह यहाँ अस्पताल में कहीं ना कहीं लगा हुआ है जो बच्चों को चोरी करने में लगा हुआ? सर जो नर्स है वो बच्चा उसमें 2 घंटा बंद रखे और बच्चा को उसकी माँ को नहीं दी है, वो बबाहर बोली आके आप रहिए। बाहर में रहने के बाद 4-5 बार आई है और फोन से वो बात की है और जो बच्चा ली है वो भी फोन से बात की है, नर्स से बात करी थी। अस्पताल प्रबंधन जैसा कि परिजनों का कहना है कि यहाँ पर जो लापरवाही है वो अस्पताल के जो कर्मी है उनकी है। बहरहाल हम आपको फिर सीधे अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो होमगार्ड के जवान है अभी नजर आ रहे हैं, हालांकि कल कैसे थे वहाँ पे और किस तरह से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया वो नहीं पता चल पाया। यहाँ पर भी पुलिस के जवान अभी अंदर में CCTV फुटेज की जांच चल रही है और यहीं से महिला जो है वो बाहर निकलती है बच्चे को लेकर के। और सामने में जो यह सर्वर रूम है ठीक है यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि फिलहाल अंदर से बंद कर दिया गया है, तो इस सर्वर रूम के अंदर तमाम तस्वीरें कैद है जिसकी जाँच अभी चल रही है। थोड़ी देर पहले हमारी बात अस्पताल के अधीक्षक से हुई है, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो और तेज किए जाएंगे। जिला प्रशासन के साथ एक समन्वय बैठक हुई थी, जिला प्रशासन की तरफ से समन्वय बैठक भी पिछले दिनों हुई थी लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और आने वाले वक्त में इसे और तेज करने की कवायद शुरू होगी। साथ ही आपको बता दें कि जो लोग भी इस तरह के घटनाओं में संलिप्त हैं अब उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस की है और धनबाद पुलिस जितना भी साइंटिफिक तरीके से हो सके अगर काम करेगी और जो भी इसमें लोग शामिल हैं कैसे उन लोगों तक पहुंचने का काम करेगी, कहीं ना कहीं यह पूरी जिम्मेवारी जो है अब आने वाले वक्त में धनबाद पुलिस की हो जाती है, स्थानीय सरायडेला थाने की हो जाती है। कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाएं जिस तरह से फाइलों में दबकर रह जाती है यह घटना भी उस तरह से फाइलों में दबकर ना रहे यह भी सुनिश्चित कराना धनबाद पुलिस की जिम्मेवारी होगी। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।